हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हूँ अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। और आज हम आपको दिखाएंगे चुनाव से पहले ममता के करीबी अफसर को क्यों हटाया गया, साथ ही बताएंगे उत्तराखंड और हरियाणा की सियासी हलचल। लेकिन सबसे पहले देखिए आज नामांकन से पहले क्या क्या करने वाली हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में आज सियासत का सुपर बुधवार। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी और उससे पहले नंदीग्राम का सियासी पारा हाई है। नंदीग्राम बंगाल के चुनावी महासंग्राम का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। बंगाल की सियासत के दो सबसे बड़े सूरमा इसी सीट से आमने सामने हैं। आज ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं। सबसे पहले वो शिव मंदिर में सुबह 11 बजे पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 1 बजे वो हल्दिया में पब्लिक रैली करेंगे। रैली के बाद ममता बनर्जी रोड शो करेंगे और फिर वो नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन करेंगे। नॉमिनेशन से पहले ही ममता बनर्जी ने बंगाल में बाहरी बना बंगाली का मुद्दा उठा दिया है। तुम्हें दिल्ली लोग बाइडेन लोग हो लेना, तुम्हें राजस्थान के गुंडा, तुम्हें गुंडा हो लेना, तुम्हें बहिरागत हो लेना, और हमें बांग्लार लोग तुम्हार बाड़ी मिदनापुर आमार बाड़ी बीरभूम तफात तो यहीटुकु, तुम्हार नंदीग्राम जल्ले आमी आसि आमार बीरभूम जल्ले तुम जाओ यहीटुकु तो तफात। तार मध्य शुरू करेछ आमिओ बहिरागत, तार तो बांग्ला आमार मुख्यमंत्रीटा हवा उचित छिलो ना। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की ताकत का अंदाजा है, इसीलिए अब उन्होंने शुभेंदु को सीधी चुनौती दी है। তৃণমূল জিতবে এখানে ভোট আছে 1 এপ্রিল, তাই তো? ওদের এপ্রিল ফুল করে দেবেন। টাকা দিলে টাকাটা কি করতে হয় আপনারা জানেন, কিন্তু ভোটের বাক্সে এপ্রিল ফুল করে দেবেন। ममता बनर्जी नंदीग्राम के लोगों के साथ सीधा संवाद कर रही हैं। वो मंदिर, मजार, मार्केट हर जगह जा रही हैं। कल वो सबसे पहले जानकीनाथ मंदिर गई, फिर चंडी मंदिर गई, वहाँ मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ किया। इसके बाद शमशाबाद मजार में चादर चढ़ाने पहुँची। ममता नंदीग्राम के लोगों से मिलने के लिए बाजार में पैदल ही निकल पड़ी। वो एक चाय की दुकान पर रुकी, खुद चाय बनाई और लोगों को पिलाई। आज भी नॉमिनेशन फाइल करने से पहले वो इसी तरह लोगों से मिलने की कोशिश करेंगी। शुभेंदु अधिकारी भी 2 दिन बाद यानी कि 12 मार्च को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने नंदीग्राम में जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। नंदीग्राम से नॉमिनेशन के पहले ही शुभेंदु अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। वो 12 मार्च को नॉमिनेशन की मेगा तैयारी में जुट गए हैं। आज वो अपने इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन करेंगे और फिर रोड शो निकालेंगे। ये रोड शो ममता बनर्जी के घर के सामने से होकर गुजरेगा। जाहिर है नंदीग्राम में आज भी सियासी घमासान पूरे चरम पर होगा। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी अपने इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन 11 बजे करेंगे और उसके बाद रोड शो निकालेंगे। शुभेंदु अधिकारी किसी भी कीमत पर नंदीग्राम में ममता बनर्जी को अपने पैर जमाने नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्होंने बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा उठा दिया है। उन्हीं ओलेन बांग्लादेशर अनुप्रवेशकारी देर फुफु और रोहिंगा देर खाला उन्हीं बांग्लार में नान एटा अपनारा जेने राखुन। शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन के साथ ही बीजेपी नंदीग्राम में माहौल अपने पक्ष में बना लेना चाहती है। यही वजह है कि 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हो सकते हैं। स्मृति ईरानी 11 तारीख को बंगाल आ रही हैं और वो हल्दिया में रैली करेंगी, जबकि मिथुन चक्रवर्ती चुनाव प्रचार की शुरुआत 12 मार्च से करेंगे।
चुनावी माहौल के बीच पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने ममता के पसंदीदा डीजीपी वीरेंद्र का तबादला कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुई पत्थरबाजी में जिस तरह सुरक्षा में चूक हुई थी उस पर अब एक्शन हो गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले डीजीपी वीरेंद्र को हटा दिया है। 1985 बैच के सीनियर आईपीएस वीरेंद्र की जगह आईपीएस पी निरंजन को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। आयोग ने राज्य सरकार को वीरेंद्र को तत्काल डीजीपी पद से कार्यमुक्त कर निरंजन को पदभार सौंपने का निर्देश दिया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से आज सुबह 10 बजे तक कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, अपने आदेश में आयोग ने राज्य सरकार से स्पष्ट कहा है कि वीरेंद्र को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक ऐसे किसी पद पर तबादला नहीं किया जाए जो किसी न किसी रूप से चुनाव कार्य से जुड़े हुए हों। गृह मंत्रालय ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक के मामले में वीरेंद्र को समन भेजकर दिल्ली रिपोर्ट तलब करने को कहा था, लेकिन ममता सरकार ने वीरेंद्र को समन पर दिल्ली जाने से रोक दिया था। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना से 200 जिंदा बम बरामद किए गए और चुनाव से पहले बमों का इतना बड़ा जखीरा देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के तारदहिया गांव में एक घर के अंदर जमीन के नीचे से 200 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक नाव के दिन हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। बम के बारे में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी। तुरंत इन बमों को डिफ्यूज करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। पश्चिम बंगाल में इसी महीने 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ऐसे बमों की बरामदगी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये बम कहां से आए। चुनाव आयोग ने पहले चरण में सभी मतदान केंद्रों को संवेदनशील मानते हुए केंद्रीय बल तैनात करने की पुष्टि की है। विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले उत्तराखंड को आज नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है और करीब एक घंटे बाद देहरादून में विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए सीएम का फैसला होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड के सियासी गलियारों में अगले मुख्यमंत्री को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब से करीब एक घंटे बाद सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बीजेपी के दो केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम देहरादून में हैं। पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है, सभी विधायक उसमें रहेंगे। सवाल है कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब उत्तराखंड की कमान किसे सौंपी जाएगी। तो फिलहाल इस रेस में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अनिल बलू ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में स्टेट मिनिस्टर धन सिंह रावत और बीजेपी के लोकसभा सांसद अजय भट्ट का नाम सबसे आगे है। उत्तराखंड में सियासी हलचल से कांग्रेस खेमा काफी उत्साहित दिख रहा है। कांग्रेस का दावा है कि अगले साल बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। कोई चेहरा लाए लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है वैसे ही 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। तो इधर हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए भी आज अग्नि परीक्षा का दिन है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग है, लेकिन उससे पहले सहयोगी जेजेपी के विधायक के अल्टीमेटम ने खट्टर सरकार की चिंता बढ़ा दी। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस हरियाणा की सरकार को गिराना चाहती है। आज उसके अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में वोटिंग होनी है। वैसे तो संख्या बल बीजेपी सरकार के साथ है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से पहले जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने 15 दिन का अल्टीमेटम देकर खट्टर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी, अब बैठने का कोई अधिकार नहीं हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गाँव में कुछ नहीं देती,
और मैं तो कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए, मैं मान जाऊंगा। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए, मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी जा नहीं पाऊं। ना ना मतलब नहीं, डंडेंगे कुटेंगे जी, इसलिए घटे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम सब बच पाए जी। इसलिए आप ये कहते हैं कि वापिस हटना चाहिए सरकार, मेरे हिसाब से हट जाना चाहिए। जेजेपी विधायक के इस अल्टीमेटम के बाद खट्टर सरकार को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी जेजेपी ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। आत्मा से वोट देने दो, थोड़ा ऊपर रहेंगे और सबको आत्मा से वोट देनी चाहिए। मेरा सभी विधायकों से ये है कि सब अपनी आत्मा से वोट दें। विश्वास प्रस्ताव जो आप लाए उसमें कामयाबी मिलेगी लग रहा है आपको? देखिए, हम तो ये जो है कुछ चेहरे बेरे काम हो गए, असली सामने आ जाएगी। हमारा विपक्ष का काम है जो जन आदेश हो, जो जन की भावना हो, उसको अपने हाउस में रखेंगे। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से अभी 88 सीटिंग विधायक हैं। बहुमत के लिए 45 विधायकों की जरूरत है, बीजेपी के 40 विधायक हैं। बीजेपी को समर्थन दे रही जेजेपी के 10 विधायक हैं, कांग्रेस के 30 विधायक हैं। 7 निर्दलीय विधायकों में 5 सरकार के साथ हैं, जबकि 2 सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। भारत ने अपना दिल बड़ा करके पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन भेजने का फैसला किया है। और भारत में बनी वैक्सीन बहुत जल्द पाकिस्तान के 4.5 करोड़ लोगों को जीवन का वरदान देने वाली है। पाकिस्तान सरकार अपनी पार्लियामेंट के सामने कबूल कर चुकी है कि उसके पास वैक्सीन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। नेशनल हेल्थ सर्विस के सचिव आमिर अशरफ ख्वाजा पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट कमेटी को बता चुके हैं कि इमरान की सरकार को अब दान में मिलने वाली वैक्सीन का ही इंतजार है। पाकिस्तान को भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की 4.5 करोड़ डोज मुफ्त में मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका की कोविशील्ड पाकिस्तान भेजी जाएगी। भारतीय वैक्सीन की मदद से पाकिस्तान की 1/4 आबादी को वैक्सीन लग सकेगी। अभी यूपी के कानपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गैंगरेप के आरोपियों में दारोगा का बेटा भी शामिल है। कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप, दारोगा के बेटे और उसके साथी पर लगा है संगीन आरोप। कानपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर आई है। खेत से चारा लेकर लौट रही 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि जब पीड़ित परिवार थाने जा रहा था तो दारोगा के बड़े बेटे ने गाली गलौज कर धमकी दी। हम लोगों ने यहाँ रात में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और सर जैसे ही सुबह उनका भाई, बड़ा भाई गोलू का सौरभ यादव हम लोगों को धमकाने पहुँचा कर रिपोर्ट किया, तो ध्यान रखना हमारा बाप दारोगा है, हम तुमको जान देख लेंगे और दोबारा भी बुरी नीयत से काम करेंगे। किसी तरह पीड़ित का परिवार थाने पहुंचा और उनकी शिकायत के बाद दारोगा के आरोपी बेटे और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस स्वाट समेत 5 टीमों को लगाया गया है। अब बात एक ऐसी खबर की जिससे आपको पता चलेगा कि पीएम मोदी शिव भक्त के साथ बहुत बड़े कला प्रेमी। पीएम मोदी ने कल देर रात एक वीडियो रिट्वीट कर कला प्रेमियों का दिल जीत लिया। युवाओं को भले ही आप नहीं जानते हो लेकिन अब जान जाएंगे। ऐसे कलाकारों की कद्र करना, छिपे टैलेंट को सबके सामने लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बखूबी आता है। सोने से पहले पीएम मोदी ने महादेव की इस भजन को गाते इन दोनों युवाओं को न केवल सुना बल्कि ये गाना उनके दिल को इस कदर अंदर तक छू गया कि उन्होंने इस वीडियो को रिट्वीट भी कर दिया। पीएम मोदी
भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी भक्ति को लोगों ने केदारनाथ से काशी तक देखा और महसूस किया है। सबसे बड़ी बात कि कल महाशिवरात्रि का दिन है, यानी भगवान शंकर को अपना आराध्य मानने वालों के लिए बड़ा दिन है। ऐसे में पीएम मोदी ने इस वीडियो को रिट्वीट कर एक पंथ दो काज किए हैं, भोले शंकर के भक्तों को अनमोल गीत का तोहफा दिया और ऐसे अद्भुत और सुरीले कलाकारों को देश के सामने भी प्रस्तुत कर दिया। एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या खास है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।